जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठग जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। मुकाम कोई भी हो, निभाना वाले निभा जाते हैं, चाहे हालत कोई भी हो। यह दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। खुद का मन अगर चाहो तो औरों का भी मन रखो। कहने को अगर जीभ मिली है उस सुनने के लिए भी कान रखो। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जब जिंदगी में किसी के साथ की जरूरत पड़ी है तब मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मानना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना चाहता हूँ।
किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह हो और दूसरे को बोझ लगने लगता है। कांटा जब भी चुभता है अपनों की ही चुभता है। हर कोई को अपना समझ लेते हैं, जो मासूम लोग होते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी करी जाती है, जो इज्जत देता है उसकी नहीं। जिसको इज्जत से बात करना भी ना आता हो, अकेले कैसे रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर तरीके से तेरे साथ हूं, तो आपने अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्ते कमाए हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता है। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लगा लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। सबकी अपनी सोच होती है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं छोड़ पाते। रिश्ते निभाओगे तो सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कोई इल्जाम लगाएगा, कोई कमियां निकलेगा, कोई ताने मारेगा, कोई तुमसे जलता रहेगा। तुम बस इतना करना, आसमान में देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि वो ईश्वर सबका हिसाब करेगा। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको दर्द मिलेगा। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाया, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो या अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पढ़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन और डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, अपना दर्द बताओ, वही मजा लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना कि मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुशी दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदल तो हर चीज बदलती है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग सिर्फ मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है, कमजोर होते हैं। कुछ इंसान को
जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ पर रो देते हैं। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है इस सच बोलकर आप मां मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। दुनिया में चाहे हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं बात को पढ़कर इंसान को छोड़ देते। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जिससे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हें पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वो तुम्हें माना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है, फिर वो ना किसी से शिकायत करता है ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराया की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है, उधार दीजिए, मगर सोच समझ कर अपनों से ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेट बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सागा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने बात नोट की है, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है बेईमानी करता है वह सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाना वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। इसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब खुद की आई है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं
दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता है। बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में आ जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैर जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टीके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिककर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता जा सकता।